हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो आपको चाहिए था मैं वो आज आपके लिए लेके आई हूँ। दैट इज सृष्टि का ईयरली जो मैगजीन है वो कंपाइल हो चुका है, उसी का कंपाइलेशन मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और ये पिछले 2020 से 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाला है। तो बेसिकली हम आज सृष्टि का जो ईयरली मैगजीन है वहाँ से हम यूनिट फर्स्ट में तीन पार्ट्स को लेके आएंगे और तीन पार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर, पहला यूनिट जो है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो हम इसी में तीन पार्ट्स करके इन चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, ऑडियो सुनना है, ईयरफोन लगा के दो तीन बार इसको सुन लीजिएगा। आपका जो भी पेपर नज़दीक आने वाला है यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के बहुत अच्छा होने वाला है, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। तो पहला जो यूनिट है आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट वन में। तो सबसे पहला जो न्यूज़ हमारा आता हुआ वो क्या है, रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल के बारे में हम देखेंगे तो इसको सबसे पहले मैं बता दूं कि 39th हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 39th नंबर के इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। तो शामिल किसने किया है, यूनेस्को ने किया है, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको कहाँ पे, पेरिस में देखने को मिलता है। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में लोकेटेड है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद अब आ जाते हैं न्यूज पे। तो रमप्पा टेम्पल जो है इसको सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम है इसका, रुद्रेश्वर टेम्पल। इसके बाद ये कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब कौन से राज्य में ये स्थित है, दैट इज फ्रॉम तेलंगाना। इट बिलोंग्स फ्रॉम तेलंगाना, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के, तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इसके बाद ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। और रमप्पा टेम्पल वॉज प्रपोज्ड बाई गवर्नमेंट एज इट्स नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग फॉर द ईयर 2019। कोई किसी भी चीज को जब भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है तो इसके पहले वन ईयर के लिए वो टेंटेटिव लिस्ट में रहता है और रहने के लिए इसको एक साल पहले इसको कम से कम रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद अब कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो और क्या है, इससे रमप्पा टेम्पल जो है जिसको रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है वो 1213 AD में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और किसके टाइम पे, ये काकातिया एम्पायर के टाइम पे, बाई रिचर ला रुद्र, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, अ जनरल ऑफ काकातिया किंग गणपति देव, ठीक है, गणपति देव के जनरल थे, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली भगवान कौन से रिसाइड करते हैं, तो बेसिकली रामलिंगेश्वरा स्वामी, ठीक है। तो और इसके बाद ये जो फाउंडेशन है जिसपे ये मंदिर बना हुआ है वो फाउंडेशन जो है वो सैंड बॉक्स टेक्निक पे बेस्ड है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अब सैंड बेस टेक्निक क्या होता है ये देख लेते हैं। सैंड बेस टेक्निक जो होता है वो एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें क्या फाउंडेशन में क्या मिलाया जाता है, मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, जैगरी मतलब गुड़ एंड कराक्या जो जिसको ब्लैक माइरोबलन फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। इसको मिक्स करके उस पिट में, एक पिट बनाया जाता है जो फाउंडेशन होता है उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो सैंड बॉक्स जो है वो कुशन की तरह काम करता है, तब जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कांजीवरम सिल्क साड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इसके फेमस जो आर्टिसन वेवर हैं वो कौन है, बी कृष्णमूर्ति, जो कि क्या किया था, इन्होंने सैंपल्स को एक ट्रेडिशनल वे में सारे कांजीवरम के सारे डिजाइन को इन्होंने सैंपल के रूप में दिखाया था। और इसके फाइन पीसेस हैं इसके, इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी थी जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन में इन चीजों का इंपॉर्टेंस पता चल पाए हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। अब बेसिकली कांजीवरम साड़ी जो होती हैं वो एक हैंड वोवेन मलबरी सिल्क होता है एंड हैज प्योर गोल्ड और सिल्वर जड़ी। जो बॉर्डर हम देखते हैं, जो बेसिकली हम बॉर्डर देखते हैं उसमें क्या गोल्ड का और सिल्वर का जरी किया हुआ रहता है, ठीक है। अब ये देखिए कुछ ऐसे फिगर आपको दिखा रही हूँ,
कुछ ऐसा फिगर इसमें शो किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हैवी होने के कारण आजकल के मॉडर्न फैशन में लोग प्रेफर नहीं करते हैं इसको, तो इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा इस पे काम किया। तो कांजीवरम साड़ी जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो बेसिकली ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कांजीवरम साड़ी जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो बेसिकली ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। और इसको कांजीवरम को क्वीन ऑफ सिल्क साड़ीज के नाम से भी जाना जाता है, कांजीवरम को क्वीन ऑफ सिल्क साड़ीज के नाम से जाना जाता है। टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया एंड स्पेशली अराउंड कांचीपुरम हैज हिस्टोरिकली सर्व्ड एज अ मूड बोर्ड फॉर डिजाइन इंस्पिरेशन फॉर ट्रेडिशनल कांजीवरम मोटिव्स। ठीक है, कांजीवरम सिल्क को जीआई टैग कब मिला हुआ है, 2005-2006 में ही इसको जीआई टैग मिल गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ और जीआई टैग साड़ीज को देख लेते हैं। तो बेसिकली तमिलनाडु से कंडागी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है बिहाली में, थिरुवनम साड़ी सिल्क साड़ी को इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश के बनारस ब्रोकेड को भी जीआई टैग मिला हुआ है, कर्नाटका की इक्कल साड़ी मूला कालमुरु साड़ी इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये कुछ जीआई टैग बेस्ड साड़ीज हैं जिनको अलग अलग स्टेट से जीआई टैग में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, चंपा सिल्क साड़ी छत्तीसगढ़ का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिल्क साड़ी आपको दे दिया और आपसे राज्य या स्टेट पूछ लिया सीधे सीधे, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे, इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 39th मैंने आपको बताया, 39th मैंने आपको बताया कि रमप्पा टेम्पल को 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी शामिल कर लिया गया है। और टोटल जो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कितने हैं, 40 हो गए हैं और 6 अभी टेंटेटिव लिस्ट में है, तो ये भी याद रखिएगा। इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको शामिल किया गया है, हरप्पन सिटी ऑफ धौलावीरा को शामिल किया गया है। कहाँ से ये जो साइट है कहाँ पे देखने को आपको मिलता है, तो ये बेसिकली गुजरात में देखने को मिलता है एंड इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए पहले 1 ईयर के लिए इसको नाम इसका रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये अभी लोथल जो है जो कि गुजरात से बिलोंग करता है, गुजरात में देखने को आपको मिलता है, ये भी अभी यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल हुआ है साइट वो क्या है, हरप्पन सिटी ऑफ धौलावीरा। ठीक है, विद दिस सक्सेसफुल नॉमिनेशन इंडिया नाउ एंटर्स द सुपर 40 क्लब फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन, ये मैंने आपको बता दिया था। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना एंड फ्रांस हैव 40 मोर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मायने में 5th पोजीशन पे है। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर पूछा जाए तो किसका है, इटली का है। ठीक है, इटली में सबसे ज्यादा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए जो साइट्स हैं वो इटली के ही हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे इटली है, याद रखिएगा। और इसके बाद 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उसमें 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, तो एक जो होता है वो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है वो कल्चरल में लिया जाता है, इसको शामिल किया जाता है। तो इंडिया के 32 ऐसे साइट्स हैं जो कल्चरल में आते हैं, 7 ऐसे हैं जो नेचुरल में आते हैं और 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी में है। तो 1 जो मिक्स्ड प्रॉपर्टी में है उसका नाम है कंचनजंगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मैंने धौलावीरा के बारे में आपको बता दिया था और इसके बाद यहाँ से ये इसको डिस्कवर कब किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, इसको डिस्कवर धौलावीरा जो है जो कि एक रिमार्केबल एंड प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट है किसका, साउथ एशिया का, इसको डिस्कवर किया गया था 1968 में किसके द्वारा, जगत पाटी जोशी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो ये साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये पहले
एंशियंट डॉकयार्ड हुआ करता था। और कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रन ऑफ कच्छ वाले जगह पे, गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले जगह पे लोकेटेड है। तो ये धौलावीरा जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि ये साइट जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे रून हो गई थी। और इट कंप्राइजेस टू पार्ट्स, दैट इज अ वॉल्ड सिटी एंड सेमेट्री टू द वेस्ट ऑफ द सिटी। एंड वॉल्ड सिटी कंसिस्ट ऑफ फोर्टिफाइड कैसल विद अटैच्ड फोर्टिफाइड वैली एंड सेरेमोनियल ग्राउंड एंड फोर्टिफाइड मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। अ सीरीज ऑफ रिजर्वॉयर्स आर फाउंड टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ सिटाडेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इससे रिलेटेड याद रखना है अगर आप यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। नहीं तो आपके वन डे एग्जाम्स के लिए तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी साइट को शामिल किया गया है इंडिया के। तो आप सीधे सीधे आंसर बता देना, धौलावीरा, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको देखना चाहिए यहाँ से, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी जो धौलावीरा साइट है, वहां से टेराकोटा, पॉटरी, बीड्स, गोल्ड एंड कॉपर ऑर्नामेंट्स, सील्स, फिश हुक्स, एनिमल फिगरीन्स, टूल्स, अर्न्स एंड सम इंपोर्टेड वेसल्स। 10 लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड इन इंडस वैली स्क्रिप्ट आर परहैप्स द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट साइन बोर्ड। इसके बाद यहाँ पे कोई भी मॉर्टल रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस, कोई भी मॉर्टल रिमेन्स मतलब यहाँ पे कोई ह्यूमन के साक्ष्य नहीं पाए गए थे, ठीक है, इस धौलावीरा इंडस वैली साइट में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट अपने न्यूज पे। तो नेक्स्ट न्यूज हमारा है आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र। आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र जो है डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये बेसिकली 24th of July 2021 को सेलिब्रेट किया गया। किस लिए सेलिब्रेट किया गया, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, तो इंडिया इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC के साथ मिलके इसको सेलिब्रेट किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इस दिन गुरु पूर्णिमा होता है बाय बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदूज एज अ डे टू रिमार्क रेवरेंस टू देयर गुरुज। इसके बाद इट कमेमोरेट्स बुद्धास फर्स्ट सर्मन टू हिज फर्स्ट 5 एसेटिक डिसाइपल्स। He gave his first knowledge to the world after attaining enlightenment. ठीक है, ये बुद्धा के बेसिकली जो फर्स्ट सर्मन उन्होंने दिया था, अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि बुद्धा ने फर्स्ट सर्मन कहाँ पे, किस जगह पे दिया था। इसके बाद जो इन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था अपना, उसके उसकी याद में ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कौन, क्या नाम है, आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र डे। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा कि इंडिया किसके पार्टनरशिप में इस डे को सेलिब्रेट किया था या किसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया था, तो आप आंसर कर दोगे। इसके बाद द डे मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द संगा ऑन फुल मून डे ऑफ मंथ ऑफ आषाढ़ इन द इंडियन सन कैलेंडर एट द डियर पार्क। ठीक है, और ये कहाँ पे, सारनाथ नियर वाराणसी इंडिया में इसको किया गया था। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था, 563 BC में हुआ था, कहाँ पे, लुम्बिनी में। और ये कौन से क्लान से बिलोंग करते हैं, तो ये बेसिकली शाक्य क्लान से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो थे वो बोधि जो कि आपको कहाँ पे बोध गया, बिहार में देखने को मिलता है, वहाँ पे इन्होंने पीपल ट्री एट बोध गया बिहार में इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, दैट इज एनलाइटनमेंट। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन द विलेज ऑफ सारनाथ नियर वाराणसी। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था आपको आंसर पता चल गया होगा। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 कब, 483 BC एट कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस इवेंट को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जब वो घर को छोड़ते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, तो उसको कहा, क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। तो याद रखिएगा उसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तो ये टर्म्स जो है, ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि बुद्धिज्म कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया था इंडियन कल्चर में। तो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज नोटेबल। द स्तूपास एट सांची, भारहूत एंड गया आर वंडरफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि सांची
या भरहुत में किस बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है या वैष्णविज्म से रिलेटेड है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, तो आप सीधे सीधे मार्क कर दोगे कि बुद्धिज्म से ये रिलेटेड है। गया, ये वंडरफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर, इट प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज लाइक दोज तक्षशिला पे, नालंदा एंड विक्रमशिला। तो ये तीन जगह पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिज्म काम में आया था और यहाँ से इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था। द लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस डेवलप्ड थ्रू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। आपको पता है कि इनकी टीचिंग्स जो थी वो पाली लैंग्वेज में देखी गई थी, और अगर जैनिज्म की लैंग्वेज की बात की जाए तो वो प्राकृत लैंग्वेज में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज और याद रखते हैं कि इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर, ये भी न्यूज में आपके रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एडमिनिस्टर्ड द स्कीम्स ऑफ सपोर्ट ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, द ट्राइबल फेस्टिवल रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन, अंडर विच वेरियस एक्टिविटीज टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर हैव बीन अंडरटेकन। अच्छा, इस स्कीम में होता क्या है, ये बेसिकली ये स्कीम क्यों लॉन्च किया गया, तो बेसिकली द स्कीम एम टू एंश्योर द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन रिसर्च वर्क, इवेल्युएशन स्टडीज, ट्रेनिंग, अवेयरनेस जनरेशन अमंग ट्राइबल्स, शोकेसिंग ऑफ रिच ट्राइबल हेरिटेज इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, हैबिटेट्स एंड कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसके लिए म्यूजियम बनाया गया। कहाँ पे म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा बनाया गया, जिससे कि इनके कल्चर को, इनके स्टडीज को, इनके लैंग्वेजेस को, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ टीपू सुल्तान से भी कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं। तो टीपू सुल्तान जो थे ये 1750 में बॉर्न हुए थे, नवंबर 1750 में। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के सन थे एंड अ ग्रेट वॉरियर, और इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। टीपू इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ड्यूरिंग हिज रूल इंक्लूडिंग हिज कॉइनेज, अ न्यू मौलूदी कैलेंडर एंड न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच इनिशिएटेड द ग्रोथ ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, और ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल फोर्स एंड ही एस्टैब्लिश्ड 3 डॉकयार्ड्स एट मैंगलोर, वजीहाबाद एंड मोलिदाबाद। ठीक है, तो इनके बारे में आपको इसलिए जानना है क्योंकि इनका जो बर्थ हुआ था नवंबर में हुआ था, तो उस चीज़ को मनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है और इनके बारे में भी याद रखना है। तो आप यहाँ से पॉज करके भी इनके बारे में पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है केसरिया बुद्धा स्तूपा। केसरिया बुद्धा स्तूपा के बारे में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो बेसिकली ये बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, बिहार में आपको देखने को मिलता है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में, एक नेशनल इंपॉर्टेंस के संदर्भ में इसको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो केसरिया बुद्धा स्तूपा जो है ये आपको बिहार में देखने को मिलता है, एंड ये सबसे टॉलेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है जो कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में टॉलेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ जो डायमेंशन है देख लेते हैं। डायमेंशन क्या है, इट हैज सर्कमफेरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 400 फीट एंड स्टैंड्स एट अ हाइट ऑफ 10 फीट। द स्तूपास एक्सप्लोरेशन हैड स्टार्टेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी आफ्टर इट्स डिस्कवरी लेड बाय कोलोनेल मैकेंजी इन 1814। ठीक है, तो ये किसके द्वारा एक्सप्लोर किया गया था, तो बेसिकली ये कोलोनेल मैकेंजी के द्वारा एक्सप्लोर किया गया था। कब, 1814 में। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई जनरल कनिंगम इन 1861-62 और 1998 में ये जो साइट है इसको आर्कियोलॉजिकल टीम, सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा प्रॉपरली इसको एक्सकेवेट किया गया था। अब कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं बिहार में, कहाँ कौन कौन से, महाबोधि टेम्पल, नालंदा, महाविहार, बोथ आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। महाबोधि टेम्पल को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और नालंदा महाविहार को भी। इसके बाद रोहतासगढ़ फोर्ट भी बिहार में ही आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ये कब हुआ था, तो ये बेसिकली इसको चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है सबसे पहले,
और यह एक हिंदू फेस्टिवल है और लॉर्ड जगन्नाथ से एसोसिएटेड है। कहाँ पे मनाया जाता है जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा, तो ये बेसिकली पुरी में जो कि ओडिशा में लोकेटेड है ये यहाँ पे मनाया जाता है। फेस्टिवल जो है ये सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ द थर्ड मंथ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ओडिया कैलेंडर। इसके ओडिया कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कब मनाया जाता है, थर्ड मंथ ऑफ आषाढ़, ठीक है। और ये 9 डे लॉन्ग इवेंट होता है और ये कब मनाया जाता है, कहा जाता है कि जब लॉर्ड कृष्णा वृंदावन आए थे वापस विद हिज ब्रदर बालभद्र और सिस्टर सुभद्रा, तो उनकी रिटर्न में उनकी खुशी में ये 9 डे लॉन्ग इवेंट जो है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मनाया जाता है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल 3 होली चैरियट्स कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हिज ब्रदर बालाराम एंड सिस्टर सुभद्रा आर पुल्ड बाई थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज फ्रॉम द इंडिया एंड अब्रॉड। सेंचुरी में किसने, किंग अनाथवर्मन छोड़ा गंगा देव ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इन्होंने बनवाया था इसको, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है इसको यमनिका तीर्थ टेम्पल भी बोला जाता है, वेयर अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव द पावर ऑफ यम द गॉड ऑफ डेथ हैज बीन नलिफाइड इन पुरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्णा को लॉर्ड जगन्नाथ वहां पे बोला जाता है, कहाँ पे, ओडिशा में। दिस टेम्पल वॉज कॉल्ड व्हाइट पगोड़ा। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन से टेम्पल को जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट न्यूज पे जो कि है सिलंबम। सिलंबम जो है ये बेसिकली क्या है, एक बेसिकली मार्शल आर्ट फॉर्म है, किसका, कहाँ का, तमिलनाडु का। तो एन इंडियन नेम्ड गणेशन सांधी राकशन हैज वन द टॉप प्राइज इन गवर्नमेंट इनिशिएटेड कॉम्पिटिशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन सिंगापुर फॉर हिज परफॉर्मेंस ऑफ सिलंबम। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि सिलंबम जो है ये क्या चीज है, एक आर्ट फॉर्म है, एक डांस फॉर्म है, तो ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद सिलंबम जो है ये तमिलनाडु रीजन से बिलोंग करता है एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड। ये जो है ये सबसे पुराना मार्शल आर्ट फॉर्म है और इट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड समवेयर अराउंड 1000 BC एंड वॉज ब्रॉट बाई, किसके द्वारा लाया गया था, तो ये अगस्त्या मुनिवार के द्वारा इसको लाया गया था। और बेसिकली ये केरला मार्शल आर्ट जो है जिसका नाम है कलारी पयट्टू, कलारी पयट्टू केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म है, उससे ये मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहां से ये चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट न्यूज पे जो कि है, यहाँ पे ये सब चीजें देख लीजिएगा, वेपन्स क्या क्या यूज हुए और ये सब इसमें। इसके बाद कालबेलिया डांस फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। तो कालबेलिया डांस फॉर्म ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और ये कहाँ से है, तो ये बेसिकली एक डांस फॉर्म है राजस्थान का, ठीक है। ये राजस्थान का एक डांस फॉर्म है और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। किस कैटेगरी में, तो ये इनटैंजिबल कैटेगरी में इसको 2010 में ही शामिल किया गया था। एंड इट इज जनरली परफॉर्म फॉर एनी जॉयस सेलिब्रेशन। और इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें सिर्फ वेमेंस जो है इसमें डांस में पार्टिसिपेट करती हैं और यहाँ पे मेन जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं और म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो डांस करती हैं इट इज ओनली परफॉर्म्ड बाय वेमेन। इसके बाद कालबेलिया और ये जो डांस फॉर्म है ये कालबेलिया ट्राइब पीपल जो थे वहाँ के, उनके नाम पे ये डांस फॉर्म पड़ा हुआ है और ये उन्हीं के द्वारा बेसिकली किया जाता है, ठीक है। तो और जो फोक डांसेस हैं वो राजस्थान के कौन से हैं, एक गैर है, एक खचड़ी घोड़ी है और एक घूमर है और एक भवाई है। ये सब डांस फॉर्म कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज, मारथुमन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च। तो ये बेसिकली न्यूज में क्यों है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट हैज टेकन कंट्रोल ऑफ मारथुमन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च एट मुलंथुरुथी इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला। तो बेसिकली ये सीधे सीधे नाम आ सकता है, मारथुमन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये केरला में लोकेटेड है। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि मलंका चर्च
मलंका चर्च जो है हैज बीन इन द फोकस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन जैकोबाइट एंड ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस ऑफ मलंकारा चर्च. ठीक है, इन दोनों लोगों में डिस्प्यूट हुआ था, तो इसलिए ये बेसिकली न्यूज में है. द चर्च जो है ये फाइन एग्जाम्पल ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर, कि कौन से आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो ये गोथिक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. और ये स्टैब्लिश कब किया गया था, तो ये 1200 एडी के अराउंड स्टैब्लिश किया गया था. और किसके द्वारा किया गया था, कहाँ पे किया गया था, तो ये मूलम रुथी ये यहाँ पे इस जगह पे किया गया था. कहाँ पे किया गया था, तो ये मूलंथु रुथी वाले जगह पे किया गया था 1200 एडी में. नेक्स्ट जो है वो प्रकाश पूरब. प्रकाश पूरब जो है ये बेसिकली एक फेस्टिवल कह सकते हैं. ठीक है, ये किसके उस पे, गुरु ग्रंथ साहिब के होली बुक पे ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है. और फर्स्ट प्रकाश पूरब उत्सव जो है मार्क द इंस्टॉलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब इन हरमिंदर साहिब. ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को ये जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है, इसको और क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो ये हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा. और ये 1604 में इसको बनाया गया था. गुरु ग्रंथ साहिब इज द सैक्रेड स्क्रिप्चर. ये एक बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सैक्रेड स्क्रिप्चर है ऑफ सिखिज्म रिलीजन. इट इज द कलेक्शन ऑफ नियरली 6000 हाइम्स ऑफ द सिख गुरुज and various early and medieval saints of different religions and caste. The version of the book was compiled by, ये book जो है basically, ये scripture जो है किसके द्वारा compile किया गया था, तो ये fifth Sikh guru, जिनका क्या नाम है, गुरु अर्जन देव अमृतसर में इसको compile किया गया था. उस महोत्सव में इस प्रकाश पूरब को मनाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज जो है वो कोची मुजरिस वाइनल. कोची मुजरिस वाइनल जो है ये एक आर्ट एग्जीबिशन है और फेस्टिवल है, जो कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल मान सकते हैं. और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कोची बाइनल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है. कहाँ पे, केरला में. बाइनल एग्जिबिट्स द आर्ट वर्क अक्रॉस द वैरायटी ऑफ मीडियम्स इंक्लूडिंग, इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, तो यहाँ पे एग्जिबिशंस लगाए जाते हैं किसके, फिल्म इंस्टॉलेशन, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, न्यू मीडिया एंड परफॉर्मेंस आर्ट, एंड ऑल्सो ऑफर्स सेमिनार्स, स्क्रीनिंग्स, म्यूजिक, वर्कशॉप्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स. तो कोची मुजरिस बाइनल जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है. ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है, ये बेसिकली एक फेस्टिवल होता है जो कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल होता है. और कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये बेसिकली केरला में मनाया जाता है. इसके बाद नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए, कॉपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. कहाँ पे ये डेवलप किया गया है ये कॉम्प्लेक्स, तो बेसिकली ये लोथल में, लोथल के, गुजरात के लोथल वाली जगह पे किया गया है. तो अब यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज तो किया गया, साइन किया गया, तो किसके द्वारा साइन किया गया होगा, आपको पता है कि कॉपरेशन मिनिस्ट्री जो है वो किसके हाथ में है, अभी किसके पास में है, तो ये अमित शाह जी के पास में है, तो इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है. इट वुड बी डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेयर मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स वुड बी शोकेस्ड. ठीक है, ये मैरीटाइम हेरिटेज के जितने भी एंशियंट टाइम्स के और मॉडर्न टाइम के जितने भी चीजें होंगी यहाँ पे शो किया जाएगा, जिससे टूरिज्म यहाँ पे बढ़ सके. और इट इंक्लूड्स हेरिटेज थीम पार्क, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखाई जाएंगी. और यहाँ पे जो लोथल है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि यहाँ पे डॉकयार्ड वगैरह का कंस्ट्रक्शन जो है, आपको अगर पूछा जाए कि ओल्डेस्ट डॉकयार्ड जो है वो कौन सा आपको देखने को मिलता है, तो लोथल विल बी योर राइट आंसर. इसके बाद देख लेते हैं कुछ चीजें और. तो यहाँ से ये साबरमती रिवर के आसपास में ये जो मैरीटाइम शोकेस है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा. और ये नॉमिनेट, लोथल साइट जो है ये नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. ठीक है, अभी टेंटेटिव लिस्ट में डाला हुआ है. हुमायूं टॉम, हुमायूं टॉम जो है ये कब बिल्ट किया गया था, तो ये 1570 में बिल्ट किया गया था, 1570 एडी में. और ये बेसिकली कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये एक फर्स्ट गार्डन टोम्ब है, कहाँ का, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का. इट वॉज बिल्ट अंडर पैट्रोनेज ऑफ हुमायूं सन, दैट इज अकबर. अकबर के द्वारा ये बिल्ट किया गया था.
और ये इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ये जो मुगल के 150 फैमिली मेंबर्स हैं इनको यहाँ पे बरी किया गया हुआ है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ चारबाग। चारबाग क्या है? फोर क्वाड्रेंट गार्डन विद फोर रिवर्स ऑफ पुरानिक पैराडाइज रिप्रेजेंटेड विद पूल्स ज्वाइन बाई चैनल। तो ये इसको ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कब किया गया था इसको? 1993 में किया गया था। इसके बाद मुगल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मुगल आर्किटेक्चर जो है यहाँ से ये एक बिल्डिंग स्टाइल कह लीजिए जो कि फ्लोरिश हुआ था नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुगल एम्परर फ्रॉम मिड 16th टू लेट 17th सेंचुरी। और मुगल पीरियड जो है ये स्ट्राइकिंग रिवाइवल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पे एक इस्लामिक रिवाइवल हुआ था इस्लामिक आर्किटेक्चर को लेके, तो इसलिए भी ये एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता। बिकेम सो वाइड स्प्रेड स्पेशली नॉर्थ इंडिया दैट दिस कैन बी सीन फर्दर इन द कोलोनियल आर्किटेक्चर ऑफ इंडो सेरासेनिक स्टाइल। कौन से स्टाइल में? इंडो सेरासेनिक स्टाइल में, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद इसके फीचर्स जो हैं ये कौन कौन से हैं? एक मिक्स्ड आर्किटेक्चर है, फिर मिक्स्ड इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन पर्शियन एंड टर्किश आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो ये हुमायूं टॉम्ब जो है ये इंडियन पर्शियन और टर्किश आर्किटेक्ट को मिला के बना हुआ है, ब्लेंडेड है, ब्लेंडेड फॉर्म में। डाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सच एज मैजेस्टिक गेट्स मतलब एंट्रेंसेस, फोर्ट्स, मेजुलियम्स, पैलेसेस, मोस्क्स, सराइज एटसेट्रा वेर बिल्ड। बिल्डिंग मटेरियल क्या है? तो ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और व्हाइट मार्बल्स इसमें यूज हुए हैं। स्पेशलिटी क्या है? तो ये चार बाग स्टाइल ऑफ मजुलियम और ये स्लेंडर टरेट्स एट द कॉर्नर, ब्रॉड गेटवेज, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी, इन सब चीजों के लिए ये जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट न्यूज पे। तो नेक्स्ट न्यूज हमारा है क्या? तुलु लैंग्वेज। तुलु लैंग्वेज देखिए, तुलु स्पीकर्स कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? तो ये बेसिकली कर्नाटका वाले रीजन में, कर्नाटका और केरला वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि ये तुलु लैंग्वेज जो है ये इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाए और इसको एर्थ शेड्यूल, आपको पता है एर्थ शेड्यूल जो हमारे संविधान का है उसमें लैंग्वेजेस का क्या जिक्र किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि हम इस लैंग्वेज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तो ये बेसिकली 2020 में डिमांड किया था एक इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल करने के लिए। और तुलु जो है एक द्रविडियन लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज जो कि दो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो कि दक्षिण कन्नड़ और उदुपी, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत वाइड रेंज में इन दो डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है इस लैंग्वेज को। और यह इस रीजन को क्या बोला जाता है? तुलु नाडु नाम से। तो इन्होंने इसीलिए इसको इसको बोला तुलु नाडु जो है एक अलग स्टेटहुड का दर्जा इन्हें दे दिया जाए। और ये बेसिकली जो तुलु है वो ओल्डेस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है। कब से? 14 मतलब इस पीरियड में, 14 से 15 सेंचुरी एडी में इसका बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन का बहुत ज्यादा वो इंस्क्रिप्शन देखने को आपको मिला था। तो तुलु आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्या है? ये एक ओरल लिटरेचर ट्रेडिशन है विद फोक सॉन्ग लाइक पड्डाना एंड ट्रेडिशनल फोक थिएटर यक्षगाना। तो तुलु जो है ये एक्टिव ट्रेडिशन ऑफ सिनेमा विद अराउंड 5 to 7 तुलु लैंग्वेजेस मूवी प्रोड्यूस्ड अ ईयर। तो इस वजह से बहुत सारे रीजंस हैं इन्होंने बोला कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाए। तो कुछ चीजें आइए ऑफिशियल लैंग्वेज से देख लेते हैं। तो पार्ट 17 जो है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है? डील करता है क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 आर्टिकल में इसका जिक्र है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। आर्टिकल 345 स्टेट्स दैट लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन द यूज इन स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। तो ये चीजें इसमें कही गई हैं। अब जो हमारा एर्थ शेड्यूल है इसमें आर्टिकल नंबर 344(1) क्लॉज नंबर 1 एंड 351 जो है ये इससे लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। इसके बाद आपको इसमें 22 लैंग्वेज, आपको पता है एर्थ शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस का जिक्र आपको देखने को मिलता है और ये 22 लैंग्वेजेस इसमें है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद इट वॉज अडॉप्टेड, ये येलो प्रोक्लेमेशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज रिसोर्स प्रोटेक्शन इन शांगड़ा
सेंट्रल चाइनाज ह्यूनान प्रोविंस इन 2018 बाय यूनेस्को। इट कॉल्स अपॉन इंटरनेशनल, दूसरा न्यूज क्या है, येलो प्रोक्लेमेशन क्या है, ये कहते हैं इट कॉल्स अपॉन इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट्स गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अमंग अदर्स टू रीच द कंसेंसस ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली इसी से रिलेट करके ये न्यूज थोड़ा सा इससे स्टैटिक पार्ट में दिया गया है कि ये एक पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि लैंग्वेज रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करता है, और कहाँ पे ये सेंट्रल चाइना हुनान प्रोविंस में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब जो सिक्स साइट हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में इनको रखा गया है, तो ये भी आप इसका भी ग्लांस थोड़ा सा ले लीजिए, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। फिर इसके बाद ये कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में छह अभी इंडिया की ऐसी साइट्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में इसको रखा गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बेसिकली है ये, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज के लिए इसको डिजाइन किया गया है अंडर द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1972 में, 1972 में इसको इसकी स्थापना की गई थी। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग कल्चरल ट्रेजर्स एंड नेचुरल एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब जो ये साइट्स होती हैं इसके बेसिकली तीन टाइप्स हैं, एक कल्चरल हेरिटेज साइट, एक नेचुरल हेरिटेज साइट और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट। तो कल्चरल हेरिटेज साइट जो है ये हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, टाउन साइट्स, इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स और वर्क ऑफ मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर और पेंटिंग, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं। नेचुरल हेरिटेज साइट जो होते हैं जो कि नेचुरल एरियाज दैट हैव एक्सीलेंट इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस, यूनिक एंड नेचुरल फिनोमिना, हैबिटेट्स ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। और मिक्स्ड हेरिटेज साइट में कौन से आते हैं, जो कि नेचुरल और कल्चरल दोनों को कंटेन करते हैं, वो मिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं, जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इंडिया, आपको हमने बताया हुआ है कि इंडिया को रमप्पा टेम्पल 39th नंबर पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और जो धौलावीरा है वो 40th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब जो सिक्स प्लेसेस हैं, कौन कौन से हैं, एक जो टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, तो कौन कौन से हैं, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, घाट्स ऑफ वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बेंगल ये कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है, और चौथा है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्ट इन महाराष्ट्र, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और इसके बाद बेड़ा घाट, लेमटा घाट इन नर्मदा वैली जबलपुर में, ये आपका पांचवा, और ये टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। तो इतने सारे जो साइट्स हैं इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब आते हैं वेसक सेलिब्रेशन पे। वेसक सेलिब्रेशन क्या होता है, ये बेसिकली ये इसको प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल मोड पे वेसक ग्लोबल सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट किया था वर्चुअल बेसिस पे, और ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन एंड विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सुप्रीम हेड्स ऑफ बुद्धिस्ट संघास फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। बुद्ध पूर्णिमा जो है ये मैंने बता दिया है आपको, ये बुद्धा गौतम बुद्धा के बर्थ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, और ये बेसक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए ये बेसक सेलिब्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन 1999 इट बिकम अ यूएन डेजिग्नेटेड डे टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू द सोसाइटी। ठीक है, अब ये ट्रिपल ब्लेस्ड डे भी बोला जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि एज अ तथागत गौतम बुद्ध बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड महापरिनिर्वाण, ये तीनों चीज गौतम बुद्ध जी के एक ही दिन पे हुआ था, तो इसको ट्रिपल ब्लेस्ड डे के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बुद्धा से रिलेटेड है ये, तो हम इनके इम्पोर्टेंट काउंसिल को देख लेते हैं। तो बेसिकली फोर काउंसिल्स हुए थे, तो फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था इनके पैट्रॉन जो थे अजात शत्रु जी थे, और वेन्यू जो था वो राजगृह था, और चेयरमैन महाकश्यप थे, और डेट जो था वो 483 BC था। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको आप अक्का अक से याद रख सकते हैं, अक्का अक, और इसको MSMV से याद रख सकते हैं, MSMV, और इसको यहाँ पे 100 BC का जो गैप है इससे आप इसको डेट भी याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट
जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अजातशत्रु जी पैट्रोन थे और वेन्यू राजगृह था और चेयरमैन महाकश्यप थे, ईयर 483 BC था। इसके बाद सेकेंड पैट्रोन काला अशोक और वेन्यू वैशाली, चेयरमैन सबा कामी और ईयर 383 BC। थर्ड में पैट्रोन अशोक थे, वेन्यू पाटलिपुत्र और चेयरमैन मोगलीपुत तिस थे। 250 BC में ये ईयर था, 253 या 250 BC में हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो उसके पैट्रोन कनिष्क थे और वेन्यू कुंडलबन कश्मीर में और चेयरमैन वसुमित्र 72 BC। इसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है कुछ, आप सभी को पता है बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा नालंदा महाविहार को शामिल किया गया है जो कि बिहार में देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची जो कि एमपी में देखने को मिलता है, महाबोधि टेम्पल जो कि बिहार में देखने को मिलता है, अजंता केव जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ ट्रेडिशंस जो है जो इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज साइट में, इंडियन कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकग्नाइज किए गए हैं, तो ये कुछ ट्रेडिशंस है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है वो क्या है, 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेज बहादुर के बारे में जान लेते हैं। श्री अखंड पाठ वॉज इनॉग्रेटेड एट गुरुद्वारा गुरु के महल, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु तेज बहादुर, टू मार्क द 400th प्रकाश पूर्व बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेज बहादुर। अब गुरु तेज बहादुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1621 से 1675 तक इनका रूल चला था और ये 9th सिख गुरु थे। ये बेसिकली 9th सिख गुरु थे और इनको प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है। हिज राइटिंग्स आर हाउस्ड इन द सैक्रेड टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब इन द फॉर्म ऑफ 116 पोएटिक हाइम्स। ही फाउंडेड द टाउन ऑफ चक नंकी इन पंजाब विच लेटर बिकेम द पार्ट ऑफ पंजाब आनंदपुर साहिब। इनका जो ईयर था 1675 में ये एग्जीक्यूट किए गए थे, किसके द्वारा? मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा। सिखिज्म जो होता है वो वर्ड सिख का मतलब होता है पंजाबी लैंग्वेज में डिसाइपल। सिख्स आर द डिसाइपल ऑफ गॉड हु फॉलो द राइटिंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ 10 सिख गुरुज। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई गुरु नानक एंड सब्सिक्वेंटली लेड बाई सक्सेशन ऑफ 9 अदर गुरुज। द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई भक्ति मूवमेंट एंड वैष्णव हिंदुइज्म। अब यहाँ से आपको सिख जो थे वो एक गॉड पे बिलीव करते थे, दे बिलीव दे शुड रिमेम्बर गॉड इन एवरीथिंग दे डू एंड दिस इज कॉल्ड सिमरन। इस चीज को सिमरन कहा जाता है। द सिख कॉल देयर फेथ गुरमत द वे ऑफ द गुरु। दे वेयर द प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल आर्टिकल्स ऑफ फेथ। और ये इन्होंने इनके रिचुअल में क्या कहा जाता है, मतलब ये इन सब चीजों को नहीं मानते, फास्टिंग, विजिटिंग प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, सुपरस्टिशंस, वर्शिप ऑफ डेड, आइडल वर्शिप, इन सब चीजों को ये लोग नहीं मानते। सिख लिटरेचर जो है, आदि ग्रंथ जो है वो सिख के द्वारा कहा जाता है कि ये एक अबोड ऑफ इटर्नल गुरु एंड फॉर दैट रीजन इट इज नोन एज ऑल सिख एज द गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये कहा जाता है जो गुरु आदि ग्रंथ है ये भगवान, मतलब इनके गुरु का निवास स्थान है, इसलिए इसको ये लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अभी इससे रिलेटेड एक कमेटी है, इसको आपको याद रखना है। क्या है ये? बेसिकली एक एपेक्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी ऑफ सिक्स रिसाइडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे एक कमेटी बनाई गई है, सिख रिलीजन है इसको क्या कह सकते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए। और ये किसके, कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है? तो ये पार्लियामेंट में 1925 में ये स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया गया था, जिससे कि रिलीजियस अफेयर्स, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को इनको ये लोग इसका रख रखवाली कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम कुछ चीजें जान लेते हैं। बर्थ ऑफ महाराणा प्रताप, अभी इनका हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था, तब 9th ऑफ मे को मनाया गया था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 9th मे 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में बनाया गया था। ही वॉज द 13th किंग ऑफ मेवाड़ एंड वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह सेकेंड। महाराणा उदय सिंह रूल्ड द किंगडम ऑफ मेवाड़ और चित्तौड़ वहां की कैपिटल थी। उदय सिंह सेकेंड वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ उदयपुर।
राजस्थान, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी जिसको आप सभी को पता होगा, जिसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और इधर से महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसको राजपूत वर्सेस राजपूत युद्ध के नाम से, बैटल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स में आते हैं और लिखने को भी आपको आता है, तो ये चीजें थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 1579 मुगल प्रेशर रिलैक्स ओवर मेवाड़ एंड महाराणा प्रताप रिकवर्ड वेस्टर्न मेवाड़ इंक्लूडिंग कुंभलगढ़, उदयपुर एंड गोगुंदा। इसके बाद इनके बारे में कुछ चीजें हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और इसको ऑडियो के फॉर्म में आप सुनते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा।